रिप्रेजेंटेटिव हैं पेरेंट्स के ऑफ द क्लासेस नर्सरी एंड केजी टेंडल बिस्को मेलनसन स्कूल के, ठीक है। तो मसला ये है कि हमारा स्कूल कह रहा है कि एनईपी 2020 आया तो उसके अंडर उनको एक नई क्लास इंट्रोड्यूस करनी है। हम एनईपी 2020 को बहुत अच्छी तरह से वेलकम करते हैं और उसमें जो होलिस्टिक वो पॉलिसी है, बहुत अच्छी पॉलिसी, वो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज कर देगी। लेकिन ये उसमें सिर्फ एक पॉइंट ले रहे हैं, वो है एज क्राइटेरिया, जो कि अभी कोई और स्कूल नहीं कर रहा है, सिर्फ एक स्कूल कर रहा है और वो ये रेट्रोस्पेक्टिवली जो 2020 या 21 में एडमिशन हुए हैं उन पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और उनको एक एडिशनल क्लास जो इन्होंने यूकेजी और इन्होंने केजी को स्प्लिट किया एलकेजी और यूकेजी में, ठीक है, ये बोल रहे हैं अब ये उसके थ्रू जाएंगे। तो ये जो पूरे इतने बच्चे हैं 800-1600 बच्चे हैं, उनका एक साल ज़ाया हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो 1600 बच्चों का एक साल हो गया, 1600 साल ज़ाया हो रहे हैं। तो ये कोई छोटा मसला नहीं है जो हम यहाँ जमा हुए हैं। उसके बाद हमने स्कूल से बहुत अच्छी तरह बात की, उनको समझाया कि सेम बैच का बच्चा जब दूसरे स्कूल में जाता है वहाँ उसको एलकेजी बोलते हैं, तुम उसको नर्सरी बोलते हो, वो यूकेजी बोलते हैं, तुम केजी बोलते हो, वो फर्स्ट में चला जाता है, तुम कैसे फिर से यूकेजी में डाल रहे हो। तो इक्वल बैच बाकी स्कूलों से पीछे हो रहा है। अगर तो ये डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से डायरेक्शन होती तो हर स्कूल में होती और हर स्कूल इम्प्लीमेंट करता और वैली के सब बच्चों को इस रजीम के थ्रू जाना पड़ता। लेकिन ये सिर्फ एक स्कूल कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो बाकी स्कूलों के बच्चों से एक बैच पीछे हो जाएंगे। और ये कह रहे हैं कि इनको मतलब ये दे आर नॉट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास। तो डेढ़ साल से इस क्लास में क्या कर रहे थे ये? पहले हमारा एकेडमिक सेशन चेंज हो गया, उसकी वजह से छः महीने ऐड हो गए केजी में। केजी का बच्चे ने डेढ़ साल केजी पढ़ा है, वो एक साल और केजी पढ़ के क्या करेगा? अगर ये साल उसको देना है सेवन्थ में जाके, एक साल अगर उसको लगता है दे दे उधर उधर कुछ कोर्स वोर्स कर लेगा, अभी वो केजी में क्या करेगा एक साल और देकर? तो ये हमारा छोटा सा मसला। और मसला ये है कि एक कज़न जा रहा है सेम क्लास में, एक कज़न की क्या इसको बोलते हैं प्रमोशन हो रही है, एक उसी क्लास में रह रहा है, या फ्रेंड की हो रही है, ये दूसरे स्कूल वालों की हो रही है। तो मेंटल ट्रॉमा है बच्चे पे। आज के बच्चे वो नहीं है कि उनको कहीं भी भेड़ों की तरह कहीं भी। डायरेक्टर साहब ने मीटिंग बुलाई, इनको भी बुलाया, इनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया, उधर कहा जब डायरेक्शन आएगी हमारी तरफ से, मतलब डायरेक्टर साहब की तरफ से आएगी और सब वैली के स्कूलों में इम्प्लीमेंट होगी, आप अभी अलग से कुछ मत कीजिए। इन्होंने उस वक्त बात मानी विंटर वैकेशन से पहले, विंटर वैकेशन के बाद उन्होंने फिर से नोटिस निकाल दिया कि भाई अब हम ऐसे कर रहे हैं। उसके बाद हम फिर डायरेक्टर साहब के पास गए सेकेंड टाइम, उन्होंने फिर रिटर्न दिया, पिछली बार रिटर्न नहीं दिया था, मीटिंग में बोला था, इस बार रिटर्न दिया, भाई जो उस मीटिंग में हुआ था उसी पर आप चलें। उसका मतलब उसको डिसरेगार्ड करते हुए, एब्सोल्यूट डिसरेगार्ड करते हुए उसी दिन मतलब इन्होंने फिर से नोटिफिकेशन निकाली, भाई हमको यही करना है, ये तो हद हो गई ना। जैसे जैसे मैंने पहले भी बोला, कोई भी जो लॉ, हमने इससे पहले भी बात की कि कोई भी पॉलिसी या कोई भी लॉ जब इंप्लीमेंट होता है वो फ्यूचर के लिए इंप्लीमेंट होता है, प्रोस्पेक्टिव मैनर में इंप्लीमेंट होता है, रेट्रोस्पेक्टिव पास्ट में जाके इंप्लीमेंट नहीं होता। अगर 2023 में 2020 की पॉलिसी एनईपी 2020 नाम है मगर एनैक्ट 2023 में हो रही है, तो आप 2020 या 21 में जाके कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो? ये इससे जो बच्चों पे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो रहा है, मेंटल ट्रॉमा हो रहा है, पेरेंट्स सुसाइडल होने टेंडेंसी आ रही है उनको, बिकॉज दे आर सेइंग हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ज़ाया हो रहा है। इसके लिए स्कूल ने क्या सोचा हुआ है? डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के पास हम गए, उन्होंने बहुत अच्छा ताउन किया हमारे साथ, बहुत अंडरस्टैंडिंग थी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, उन्होंने बाज़ाब्ता उनको नोटिस दी है कि फ्रॉम नवंबर जब तक हम इंप्लीमेंटेशन का ना बोले आप ना करो तब तक। हाँ, करंट बैचेस इस साल फॉर एग्जांपल एडमिशन्स हो रहे हैं, उस पर एनईपी 2020 लागू करना है, ऑफकोर्स कीजिए। हम पीछे जो पुराने बैचेस पर जाके आप लागू कर रहे हैं वो बिल्कुल सरासर जुल्म है, गलत है, और इससे बच्चों को भी डिप्रेशन में जा रहे हैं और पेरेंट्स भी इसके साथ डिप्रेशन में जा रहे हैं।